मैकेनिज्म क्या है। देखो आप जो भी हो ना, अपने हैबिट की वजह से हो। एक कामयाब इंसान कामयाब इसलिए है कि वो कामयाबी वाली आदत है उसके अंदर, समझ रहे हैं? आप 5 लोगों के एवरेज होते हो। कितने लोगों के? आपकी इनकम 5 लोगों के इनकम के बराबर होती है जिसके साथ उठते बैठते हो। ये सच है, रिसर्च हुआ है। आपकी पर्सनालिटी उन 5 लोगों जैसी होती है जो आपके साथ उठते बैठते हैं। आप ये समझाओ, ये बताओ कि अगर आपको जो करना है उन लोगों के साथ उठो बैठे हुए ना, अब मान लो हमें बनना है डॉक्टर, लेकिन हम ग्रुप सी वाले के साथ उठते बैठते हैं, तो मेंटलिटी आपकी कैसी हो जाएगी? ग्रुप सी वाली। तो आदत आपको जो है, और आदत का निर्माण कैसे होता है? देखिए आदत दो तरह की है और ये दोधारी तलवार की तरह है। अगर आप अच्छी आदत नहीं सुनो सीखोगे तो बुरी सीखोगे, क्योंकि ये दोनों तरफ से चलती है। अगर मान लो इस साइड से चलेगी अच्छी वाली है तो अच्छी वाली बनेगी, अगर ये नहीं चलेगी तो किधर चलेगी? चलती है मगर वो, तो कौन सी चलेगी? अगर तुम अच्छी आदत नहीं सीख पा रहे हो तो कौन सी सीखोगे? यकीनन तुम बुरी आदत सीख रहे हो। अब आदत कैसे बनती है? आदत बनने का सबसे पहला नियम है क्यू, सी यू ई। क्यू का मतलब होता है सिंबल, एक प्रतीक मिलता है आपको और उस काम को, एक आपको मतलब सिंबल मिलता है। जैसे मान लो आप दोस्तों से मिले और दोस्त आपके सिगरेट पीते, दोस्त आपके क्या करते हैं? सिगरेट पीते। तो आप, आपको बोला कि भाई पी लो, तुम भी एक कस लगा लो, क्या जा रहा है? तो आपको एक सिंबल मिल गया। दूसरे दिन भी उसके साथ गए, क्योंकि दोस्त को आप छोड़ नहीं रहे हो, क्योंकि बुरी आदत तो सबसे पहले ही है कि उस दोस्त को आप छोड़ना है, क्योंकि आप IAS बनना चाह रहे हो, वो गलत काम कर रहा है। अब आप फिर दोस्त के साथ जा रहे हो। मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये कोई भी हो सकता है, मोमो खाने वाला भी हो सकता है, कोई भी चीज एक्सेस में वो अच्छी चीज नहीं होती। अब फिर दोस्त आपको दूसरे दिन बोल रहा है प्लीज एक कस मार लो, दिस इज कॉल्ड सिंबल क्यू। तो आपके अंदर क्रेविंग आती है, क्या आती है? आपका मन करता है यार चलो एक कस मैं भी मार लेता हूं, देखता हूं क्या है। आखिर आपने एक कस मार लिया। अब आप दूसरे दिन भी जाते हो, तीसरे दिन भी जाते हो, ऐसे कंटिन्यू जा रहे हो, सैकड़ों दिन उसके साथ जा रहे हो। एक ना एक दिन फिर आप पीते रहोगे, क्रेविंग आएगी चलो यार क्या जा रहा है। वो गजब आपको कई तरह से टॉन्ट कसता है कि अरे सिगरेट नहीं पीते हो, बच्चे हो, बहुत सारी चीजें कहते हैं आपको। तो आप रिस्पॉन्स देते हो, लाओ पी करके दिखाता हूँ, मैं पूरा पीऊंगा, एक नहीं मैं 4 पीऊंगा। आप रिस्पॉन्स देते हो तो आपको मजा आता है या आपको सजा आता है, कोई दो चीज आएगा, रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड में दो तरह का है, प्लीजर और पेन। या तो आपको प्लीजर मिलेगा, मजा आएगा, या मजा नहीं आएगा, लेकिन जब डेली पीने लगोगे तो मजा ही आएगा, समझ रहे हैं? उसी तरह जब आपका, अब इसको दूसरे तरीके से समझो, अच्छी चीज क्यों, जब आप ऑब्वियस हो गए, कोई भी चीज स्पष्ट होगी, क्लियर होगी कि मुझको IAS बनना है, तो क्या तुम्हें वो दोस्त रोक पाएंगे सिगरेट पीने के लिए हर दिन? कभी इत्तेफाक से एक दिन चले भी गए तो? क्योंकि तुम डायरेक्ट अपने गोल के लिए बहुत क्लियर हो, समझ में आ रही बात? अब गोल आपका क्लियर होगा, और गोल, अच्छा गोल कैसे बनता है? उसको आप अट्रैक्टिव बनाओ, या वो आपके लिए अट्रैक्टिव होता है। अरे भाई मुझे इसकी तरह बनना है, इस आदमी की तरह। अब वो आदमी बहुत क्लियर लग रहा है और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है आपको। जैसे मान लो आपको सुबह दौड़ने का मन कर रहा है, तो सुबह दौड़ने का मन कर रहा है और आदत बनाना है। मैंने कहा कि आप सिर्फ आदत हो, एक इंसान क्या होता है, पूरी आदत होती है। सुबह सुबह उठने, पढ़ने की आदत, किसी को पढ़ने की आदत नहीं है, उठता ही नहीं है। तो सुबह उठने के लिए बहुत क्लियर हो कि आप सुबह उठना है, और वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपके लिए। अट्रैक्टिव कैसे होगा? आपके जो भी जूते हैं वो अच्छे होने चाहिए, अट्रैक्टिव बनाओ उसको। और सपोज के आप उठ रहे हो और सामने बिल्कुल क्लियर कट आपका सारा कपड़ा वगैरह रखा हो, ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो, इजी हो, क्या हो, आप जो आदत बनाना चाह रहे हो, क्रिएट करना चाह रहे हो, वो इजी हो बनाना। अब मान लो छत पे रखा हुआ है कपड़ा,
और आप जो है ना रजाई में सोए हुए हो तो छत पे जाओगे? सामने होना चाहिए, आपकी किताब सामने होनी चाहिए एकदम, जो पढ़ना है ऑब्वियस हो, अट्रैक्टिव हो और इजी हो और एंजॉयबल हो, आपको उसमें मज़ा आता हो। सपोज हमको मज़ा आ रहा है बोलने में, मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि हमारी बात कई लोगों को बोरिंग लग रही हो, कोई नहीं हम कोशिश करेंगे, पर मुझे बोरिंग नहीं लग रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, समझ रहे हैं बात को? तो आप कितना इंटरटेन करते हो वॉकिंग को, आप कितना इंटरटेन करते हो दौड़ने को। तो क्या होता है अच्छी चीज सीखने में, मैंने पहले कहा था पेन एंड प्लीजर, पहले या तो पेन मिलेगा या प्लीजर मिलेगा। अच्छी चीज में पहले पेन मिलता है, अच्छी चीज में पहले दर्द। वॉकिंग करने जाओगे बहुत दर्द है, दौड़ने जाओगे दर्द है, आईएएस बनने जाओगे बहुत मेहनत करना है, सारा एंजॉय बाहर का, दोस्ती यारी छोड़ के पढ़ाई करना है, ग्रुप सी जो भी क्वालिफाई करना चाह रहे हो, दर्द है पहले, बाद में मजा है, समझ रहे हैं? या तो शॉर्ट टर्म मजा ले लो, कॉलेज में आ रहे हैं, लड़के से लड़कियों से बातचीत कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, चलो यार आज वो नहीं मिली उससे बात नहीं हुआ, चलो कल आते हैं, किसी के चक्कर में आ रहे हैं, घूम फिर कर रहे खाली, और कहीं सिगरेट पीने जा रहे हैं, फॉर ए शॉर्ट मोमेंट यू आर गेटिंग प्लीजर, क्या? लेकिन लंबे दिनों में पेन मिलेगा, लंबे दिनों में पेन मिलेगा, समझ में आ रही? तो आदत का निर्माण कैसे करना है, अब मैंने आपको बता दिया जो आपका ये सब ऑब्स्टेकल था। अब मैं हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं लेक्चर ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। तो देखिए, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, हम जब बीए या एमए कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि आप एंजॉय नहीं करो, इन टर्म्स ऑफ व्हाट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट एंजॉयमेंट, एंजॉय तो इसमें भी हो सकता है, नॉलेज हासिल करने में हमको सबसे ज्यादा मजा आता है, पढ़ने में और कंटेंट में, एकदम नई चीज पढ़ने में, इट इज कॉल्ड चैलेंज, स्किल एंड चैलेंज कहलाता है, वो मैं बताऊंगा आपको, कुछ नया करो। जब हम स्टूडेंट थे ना, तो हम उठते थे 5 बजे सुबह में। मैं अपनी कहानी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप वही करो, बस मैं अपनी कहानी आपको मोटिवेशन के लिए बता रहा हूं कैसे काम करता है। मैं 5 बजे उठता था और 5 से 8 तक पढ़ाई कर लेता था, बहुत सारे लोग ऐसा करते, एकदम आराम से पढ़ाई लिखाई हो गई, अब मैं थक गया, अब मेरा यह था टारगेट कि मैं इतना याद कर लेता हूं, अब चले भाई कहां चले, दोस्तों के पास, ठीक है, हम पढ़ लिख करके एकदम ऑप्टिमम लेवल पे, अब जब थक गए पूरी, उन दोस्तों के पास जाते थे जो उठते थे 9 बजे, उनको नॉक करते, उठ यार चलो भाई, कितना लेट तक सोते, अरे रात में 2 बजे तक जागे हैं, कितना सवेरे जगा देते हो, अब उसका इंतजार कर रहे हो, क्योंकि मैं तो मेरा एक लेवल, देखिए आपका जो अटेंशन है वो अटेंशन इज ए करेंसी, अटेंशन 100% नहीं होता है हमेशा 24 आवर। आप एक लेवल तक, दुनिया में जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव लोग है, उनका कहना है अटेंशन, जो बहुत बेहतरीन अटेंशन 3 से 4 घंटा रख सकते हो आप। एक चीज यहां पे और आप देखिएगा, एक फैक्टर जो है प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट, जो आपको समझना जरूरी है। देखिए आमतौर पे हम क्या समझते हैं, प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, जो कोई भी काम उसको आप कैसे समझते हो, कि आमतौर पर फीलिंग है कि इतना घंटा में इतना घंटा काम होगा, लेकिन ये फिलॉसफी बिल्कुल गलत है प्रोडक्टिविटी को लेके, या क्वालिटी टाइम को लेकर के, या टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। आपको मैं ये बताऊं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लासरूम में, इवन मैं खुद जब क्लासरूम में होता था और कोई थ्योरी सर पढ़ाते थे, सोशियोलॉजी से संबंधित, मैं वहीं पे उस पॉइंट को याद कर लेता था। और मैं आपको ये बताऊं कि उस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो बस क्लास को सुनते थे और उनको 4 साल बाद भी याद नहीं रहता था। तो देखो कितने कम टाइम में अगर क्वालिटी टाइम आप देते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, कई स्टूडेंट 10-10 घंटा पढ़ते हैं और वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? आपने सुना है कि नहीं, कुछ लोग 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपकी दीदी आपके भैया कर रहे हैं, और आपने ये भी सुना है कि अरे भाई वो तो 1 ही साल में निकल गया। आपको क्या लगता है, कुछ लोगों ने कहा होगा कि तुक्का है यार उसका लग गया, लेकिन ये तुक्का नहीं है, बहुत सारे, सबकी पर्सनालिटी अलग है, आप
फोकस्ड नहीं है। क्या है? फोकस का बहुत बड़ा रोल है टाइम मैनेजमेंट पे। आप, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को खाना बनाते हैं 4 घंटे में, और कुछ लेडी 1 घंटे में बना देती है। मैंने देखा है कई विद्यार्थी 8-8 घंटा पढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी 4 घंटा पढ़ते हैं और टॉप करते हैं। वजह? फोकस्ड वर्क, टाइम का रोल नहीं है। वो हमेशा वहां पे नहीं होते जहां पे होना चाहिए। जैसे यहां पे मैं लेक्चर दे रहा हूं, वो वहां पे नहीं है, वो शादी हॉल में। के परसों शादी हुई थी, उसमें क्या हुआ था वो सोच रहे, और शादी में सोच रहे थे कि मनोज से मिलना था। बात मेरी समझ रहे हैं? वो हर जगह एब्सेंट होते, ऐसे लोग क्या होते हैं, वो फोकस नहीं होते हैं। यहीं पे कुछ लोगों की जिंदगी आज बदलने वाली है। वो समझेंगे बहुत किस तरह से गोल सेटिंग हुआ है। तो इस तरह से आप, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है फोकस पे। आप 2 घंटा पढ़ के 8 घंटे की बराबरी कर सकते हो, ऐसा लोगों ने साबित किया है। 80-20 रूल, 80-20 रूल जानते हैं आप लोग? एक ऐसा रूल है, 80% काम 20% टाइम में होता है। 80% काम 20% काम टाइम में होता है, और 20% काम जो रेस्ट है वो 80% टाइम में होता है। आपको 80% तो चाहिए, आप 80% पे फोकस करो। देखो, बहुत अच्छा करने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए 80% के ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम की जरूरत है। 80 तो अचीव कर सकते हो, कितने कम समय में, क्योंकि सब चीज एवरेज प्लस आप कर सकते हो बहुत आसानी से। 80-20 रूल कहता है कि आपके पास जितने कपड़े हैं, आपके पास जितने जूते हैं घर में, उन जूतों में सिर्फ 20% का इस्तेमाल 80% जगहों पे होता है। आपके बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे जूते, साड़ियां अलमीरा में बंद है, बहुत कीमती है, वो 80% है, उसको कभी कभी शादी में पहनते हैं आपके सूट, सही है ये? 80-20 रूल कहता है आपके घर अगर बड़े हैं, 80% घर का जो जगह है वो यूज नहीं होता है, 20% घर का जो मेन प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे आते हैं, हॉल में जो घर का होता है स्पेस। 80-20 रूल हर जगह लागू होता है। 80% स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं कॉलेज में, और 20% स्टूडेंट पढ़ते हैं। समझ रहे हैं आपको? उसी 20% की वजह से जो कॉलेज रेगुलर आते हैं वो कॉलेज में दिखते हैं। 80-20 रूल अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इसको इम्पोज करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। और क्रिएटिव वर्क, हमेशा क्रिएटिव वर्क करने की आपको जरूरत है, कुछ नया करो। उसके बाद आर्टिफिशियल डेडलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके लिए। देखो, डेडलाइन आपको क्लियर करना जरूरी है। अब आप ये बताओ, आप लोगों का एग्जाम तो खत्म हो गया ना? अगर मान लो, सपोज इमेजिन कि आपका एग्जाम नेक्स्ट सेमेस्टर वाला तुरंत 15 दिन के बाद हो जाए, और होना है मान लो, तो क्या होगा? आप तैयार हो जाओगे 15 दिन के बाद? तैयार हो जाओगे, यकीनन तैयार हो जाओगे। लेकिन 6 महीने के बाद होगा तो भी आप तैयार नहीं होगे। आप फिर आप जागरूक होते हो 10 दिन पहले। कितने दिन पहले? काम वो जो आप सेमेस्टर गुजार रहे हो 15 दिन का ही काम है एक्चुअली। और जो लोग आगे बढ़ते हैं वो डेडलाइन को फिक्स कर लेते हैं और उस डेडलाइन में काम करते हैं। इसीलिए आप ये पाइएगा, वो 3 साल तैयारी करते हुए वो जॉब ले लिए, क्योंकि जो काम आप ग्रेजुएशन का कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो डेडलाइन की वजह से आपका बहुत कम समय में आपका टाइम बच जाता है। उसके बाद आपको प्रायोरिटी फिक्स करना है, इंपॉर्टेंट वर्क और अनइम्पॉर्टेंट वर्क। दो तरह के काम हैं आपके। ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये किताब है, और ये बताती है कि 2 तरह के काम हैं जिसको मैनेज किया जा सकता है। एक काम होता है अर्जेंट और एक काम होता है इंपॉर्टेंट। काम की अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को क्लासिफिकेशन के बेस पे 4 तरह के काम हैं, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। जैसे कोई काम बहुत अर्जेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गए और उनके लिए उनकी सेवा करना अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है आपकी नज़र में। और एक काम है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, जैसे अर्जेंट नहीं है लेकिन पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इससे कैरियर बनना है। उसके बाद एक काम है अर्जेंट
बट नॉट इम्पॉर्टेंट। वो अर्जेंट तो है लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और एक काम है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, न तो अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है। मनोज बोल रहा है कि चलो घूमने, कोई मतलब नहीं। तो आपको अपने सारे एक्शन को, अपने सारे काम को डिवाइड करना पड़ेगा। आपका टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है? इम्पॉर्टेंट काम कौन है, अर्जेंट काम कौन है, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, समझ में आ रही बात? उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं। यही 24 घंटे बिल गेट्स के पास भी थे, महात्मा गांधी के पास भी हैं, और सबके पास, जो भी दुनिया में बड़े लोग हैं, उन्हीं 24 घंटे में कोई बहुत आगे निकल जाते हैं और कोई बहुत पीछे रहते हैं। ये सारी दूसरी बात। एक है प्रोकास्टिनेशन मैनेजमेंट, बहुत अब शॉर्ट में, चूंकि आप लोग डूबते सूरज की तरफ जा रहे थे, ऑलरेडी वो सूरज जो है ना ढलने वाला था तब मैं आया था, तो ये टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है, मैंने कहा आपको, लेकिन यहीं पे तो अपना इम्पोर्टेंस बताना है आपको। यहीं पे आपकी परीक्षा है, जब हम इतनी दूर से आकर के इतने एनर्जेटिक हो सकते हैं और ये चैलेंज दे सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। एक टू डू लिस्ट बनाइए, आप दिन भर में क्या करते हो लिखो। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट है, अपनी ज़िंदगी में आपके इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, अच्छे दोस्तों को का इन्वायरमेंट बनाओ, घर में पढ़ाई की जगह अच्छी बनाओ, या जो भी आप काम करना चाह रहे हो। इसमें सक्सेसफुल लोगों के लिए 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाई जाती है मैनेजमेंट में, अमरीका, इंग्लैंड, भारत में। इसमें 7 हैबिट है सक्सेसफुल लोगों की। पहली हैबिट है प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब इंतजार मत करो एग्जाम का, एग्जाम से पहले डेडलाइन फिक्स करके काम खत्म कर दो, एग्जाम का इंतजार मत करो। गोल ओरिएंटेड रहो, एक साल एक चीज बताओ, 5 साल पहले तुम क्या थे और आने वाले 5 साल बाद तुम क्या होगे? तुम्हें पता है क्या, तुम एक साधारण लड़की होकर के, तुम्हारी शादी हो जाएगी वहाँ चले जाओगे, या तुम लड़के कहीं किराना दुकान में रहोगे, या कहीं कोई चॉकलेट बेचते रहोगे, ये पसंद कर रहे हो? तो 5 साल पहले का आज आपको प्लान करना पड़ेगा। बी गोल ओरिएंटेड। हंसते हंसते और आ जाओ बात कर लेते, अरे आया था बहुत अच्छा बोल रहा था, कुछ नहीं होने वाला है। सुनते रह जाओगे संदीप महेश्वरी के मोटिवेशन, एक मोटिवेशन लेक्चर इज सफिशियंट फॉर यू, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। बात समझ रहे हैं? ये एक नशा है। क्या है? तुम मोटिवेशन को नशे के रूप में मत लो। ये लेक्चर अकेला काफी है आपकी जिंदगी बदलने के लिए, एक लेक्चर एक बुक काफी है। इसमें तीसरा पॉइंट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज को पहले रखो। अगर तुमने एक दिन में एक काम भी अच्छा नहीं किया ना, तो क्या कहोगे अपने आप को? क्या कहोगे बताओ, क्या कहोगे अपने आप को? क्या कहोगे? कुछ भी। अपने को कहो के शर्म से डूब मरो, ठीक है? पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमेशा एक काम जरूर कर लो और सोचो कि आज मैं एक वो काम कौन, आज मैं हिस्ट्री का नोट बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, आज मैं पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट कर लेता हूँ, आज मैं करंट को कंप्लीट कर लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ। समझ में आ रही बात? और इसमें एक चीज है द मैजिक ऑफ, हाँ मैं इसका बता दे रहा हूं आपको, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। एक सेकेंड,